सबकी निगाह थी जो खबर लगातार सुबह से सुर्खियों में बनी हुई थी कि अतीक आखिर प्रयागराज के नैनी जेल कब पहुंचेगा। तो अतीक अब प्रयागराज के नैनी जेल पहुंच चुका है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रयागराज अतीक का काफिला पहुंच चुका है। तो साबरमती टू नैनी जेल एक लंबा सफर तय करने के बाद आखिर अतीक अब साबरमती जेल से निकलते हुए नैनी जेल तक पहुंच चुका है। जी हां, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अतीक एक बार फिर से 4 साल के लंबे वक्त के बाद यूपी पहुंच चुका है। तो ये आप तस्वीरें सीधी नैनी जेल से बाहर के हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां इस वक्त अतीक नैनी जेल के अंदर पहुंच चुका है। जी हां, सुबह से ही लगातार सबको यह इंतजार था कि अतीक नैनी जेल कब पहुंचेगा। कड़ी सुरक्षा के बीच अब अतीक अहमद को नैनी जेल पहुंचाया जा चुका है, जहां अतीक की कल एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होनी है। तो ये आप सीधी तस्वीरें प्रयागराज से देख रहे हैं प्राइम टीवी के माध्यम से, जो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीधी और एक्सक्लूसिव तस्वीर आप इस वक्त प्राइम टीवी पर देख सकते हैं, जहां अतीक इस वक्त नैनी जेल पहुंच चुका है। तो एक बार फिर से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पवन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, कड़ी सुरक्षा के बीच अतीक जो है वो नैनी जेल पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल मुस्कान, बीते कल शाम को जब प्रयागराज पुलिस अहमदाबाद जेल पहुंची थी और वहां से जब अतीक अहमद को लाने की जो कयावत थी वो शुरू की गई थी, तो तमाम तरह की बातें सोशल मीडिया पर तमाम तरह की बातें जो है वो सामने आई थी। हालांकि अगर अभी कुछ ही मिनट पहले अतीक अहमद को सुरक्षित प्रयागराज के सेंट्रल जेल में ले आया गया है, और ये वही जेल का वो रास्ता है जिस रास्ते से अभी अतीक अहमद को जेल के अंदर एंट्री किया गई है और जेल के अंदर प्रवेश करते हैं। यहाँ पर जो सुरक्षा के कड़े इंतजाम है वो यहाँ पर देखने को मिले थे। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अतीक अहमद को कल एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाना है। जी पवन, जिस तरीके से जब आज अतीक कोर्ट में पहुंचे, जब आज अतीक जिस तरीके से नैनी जेल में पहुंचे हैं, तो उनके चेहरे का हाव भाव क्या बताता, क्या वो डरे हुए थे? बिल्कुल, अगर पूरे इस घटनाक्रम को देखा जाए तो बीते कल से ही करीब 1300 किलोमीटर का जो एक लंबी दूरी तय करके जो पुलिस की टीमें यहां पर अतीक अहमद को लाई है। हालांकि जो पुलिस की टीमें थी करीब 6-7 थी जो अतीक के आगे पीछे चल रही थी, और जिस प्रिजन वैन में अतीक अहमद को बैठाया गया है उस प्रिजन वैन में कहीं से भी कुछ दिखा नहीं गया, लेकिन जो पहले की तस्वीरें हैं उसमें साफ तौर पर देखा गया कि अतीक के चेहरे पर वो खौफ, प्रयागराज आने का वो डर और वो मौत का सया है वो साफ तौर पर देखने को मिला था। पवन, अतीक के नैनी जेल पहुंचने से पहले 3 लोगों के बैरक बदलने की भी खबर सामने आई है, तो किस वजह से 3 लोगों की बैरक बदली गई और किन किन के नाम सामने आ रहे हैं कि जिनके बैरक बदली गई है? बिल्कुल, चूंकि अगर इसी नैनी जेल की बात की जाए तो अतीक अहमद का बेटा उमर अली इसी जेल में बंद है, जबकि अतीक अहमद का भाई अशरफ जो बरेली जेल में बंद है उसको भी प्रयागराज लाया जाएगा, और 2006 में उमेश पाल के अपहरण कांड के मामले में उसके भी एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होनी है। तो ऐसे में अतीक अहमद और अशरफ को लेकर अलग अलग बैरकों में रखा जाएगा जिनको हाई सिक्योरिटी बैरक बनाया गया है। हालांकि जो बैरक बदलने की बातें सामने आई हैं, अली की जो बैरक है उसको बदलने की बात सामने आई थी, ये भी कहा जा रहा है कि बाप बेटे और भाई तीनों एक दूसरे से काफी दूर रहेंगे और इन तीनों के एक दूसरे का सामना नहीं होगा, क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला होने की वजह से उमेश पाल हत्याकांड का जो मामला है इसमें अतीक अहमद एंड कंपनी पूरी तरीके से मुख्य रूप से सामने आई है। जी पवन, डीजी जेलर को खुद इस पूरे मामले की वो जांच पड़ताल कर रहे हैं, वो भी किस तरीके से जेल के अंदर इंतजाम होंगे, तो क्या कुछ तैयारियां डीजी जेलर के द्वारा की गई और कुछ आदेश दिए गए हैं? बिल्कुल, सुरक्षा की बात की जाए तो जिस बैरक में अतीक अहमद को रखा जाएगा वो हाई सिक्योरिटी बैरक है। वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे तथा जितने भी पुलिस कर्मी है उसको बॉडी वॉर्न कैमरे से लैस किया गया है, और इस पूरे कैमरे की जो मॉनिटरिंग है वो डीजी जेल लखनऊ के द्वारा की जा रही है। मतलब यहाँ की जो सीधी तस्वीरें हैं वो डीजी जेल लखनऊ बैठ कर देखेंगे, क्योंकि कल जब अतीक अहमद को कोर्ट में पेश किया जाएगा उस दौरान अतीक अहमद को सजा भी सुनाई जानी है। तो ऐसे में अतीक अहमद का प्रयागराज ले आना, और जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि अतीक अहमद को किन जेल में रखा जाएगा या किस स्थान पर रखा जाएगा, तो इन बातों पर विराम लग गया है, और कुछ ही देर पहले इसी रास्ते से अतीक अहमद को सुरक्षित नैनी सेंट्रल जेल में ले जाया गया है। बिल्कुल पवन, अतीक तो पहुंच चुके हैं, लेकिन अशरफ कब तक पहुंचेंगे? चूंकि अशरफ
जेल में बंद है और अशरफ और अतीक दोनों अलग अलग जेलों में बंद थे। हालांकि कुछ ही देर में अशरफ को भी इसी जेल में लाने की बातें सामने आई हैं और अशरफ को भी उतनी सुरक्षा के बीच यहां पर ले जाया जाएगा जितनी सुरक्षा में यहां पर अतीक अहमद को जेल में ले जाया गया है। बिल्कुल पवन, सुरक्षा के बीच तो पहुंच रहे हैं, लेकिन अतीक जब पहुंचे तो उनके साथ मीडिया की कई गाड़ियां पहुंची, लेकिन जब अशरफ का काफिला निकला, जब अशरफ को लेकर पुलिस की गाड़ियां निकली तो सभी मीडिया वालों को रायबरेली में रोक दिया गया। जी बिल्कुल, हालांकि अशरफ की एक बात भी सामने आई है जो मीडिया के द्वारा ही देखने को मिली है, जहां पर अशरफ ने यह बात कही है कि डर उनको लगेगा जो अपराधी हो, हम तो राजनीतिक हैं, लेकिन किस तरीके का यह राजनीतिक है, अगर इनके पूछे रिकॉर्ड को उठा के देखा जाए, पिछले कई वर्षों की बातों को देखा जाए तो जितना वर्चस्व अतीक अहमद और अशरफ का यहाँ पर देखने को मिला है, निश्चित रूप से इनके ऊपर एक बड़े से बड़े अपराध की जो लंबी श्रेणी कही जाएगी वो देखने को मिली है। तो जिस तरीके से अशरफ ने यह बातें कही है कि डर उनको लगे जो अपराधी है, तो कहीं ना कहीं ये जो अपराधी का डर है वो अशरफ के चेहरे पर भी साफ तौर पे देखने को मिला है, क्योंकि अतीक अहमद का जो वर्चस्व रहा है पूरे पूर्वांचल में, छोटे छोटे बच्चे अतीक के नाम से जाने जाते थे, अतीक को पहचानते थे, अतीक के उस वर्चस्व को उन्होंने देखा है, तो निश्चित रूप से अतीक और अशरफ के चेहरे पर वो डर, उत्तर प्रदेश सरकार का डर, उत्तर प्रदेश पुलिस का डर साफ तौर पर देखा गया। हालांकि आपने एक सवाल किया कि रायबरेली के पहले मीडिया कर्मियों को रोकने की कोशिश की गई, जी बिल्कुल, हो सकता है ये, बिल्कुल ये सुरक्षा कारणों से भी हो सकता है, क्योंकि इतने बड़े हाई प्रोफाइल मामले को लेकर, चूंकि अतीक अहमद को पहले इस जेल में यहाँ पर शिफ्ट किया जाना था और थोड़ी देर में अशरफ का काफिला वो भी नैनी सेंट्रल जेल में आएगा, अतीक अशरफ तथा अतीक के बेटे अली को अलग अलग बैरकों में रखा जाएगा, जिनको हाई सिक्योरिटी बैरक बनाया गया है और वहां पर सीसीटीवी तथा बॉडी वॉर्न कैमरे से सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है और इस पूरे कैमरे की मॉनिटरिंग डीजी जेल लखनऊ द्वारा की जा रही है। बिल्कुल, तो मतलब लेकिन पवन अहम सवाल ये है कि सुरक्षा की दृष्टि से कहा जा रहा है कि मीडिया को रायबरेली के पहले रोकने की कोशिश की गई, लेकिन अतीक से बड़ा गुंडा और माफिया कहा जा रहा है कि कोई नहीं है, लेकिन जब वो जेल पहुंचे तो मीडिया कर्मी पहुंचे, तो आखिर जब अशरफ का काफिला, जब जो पुलिस का काफिला है, जब वो अशरफ को लेकर पहुंच रहा था, तो आखिर क्या वजह रही जो मीडिया को रोक दिया गया? हालांकि देखिए ये वजह अभी तक नहीं सामने आई, लेकिन अगर यहाँ की भी बात की जाए, जिस समय नैनी जेल का वही मुख्य द्वार है जिस मुख्य द्वार से अभी अतीक अहमद को थोड़ी देर पहले ही नैनी जेल ले जाया गया है, और यहाँ पर अगर मीडिया कर्मियों की बात की जाए तो जो मीडिया कर्मी है वो भी सिर्फ रास्ते की ही तस्वीरें ले पाए हैं। हालांकि किसी तरीके से किसी मीडिया कर्मी के अतीक अहमद से ना कोई बात हो पाई है और ना ही कोई आधिकारिक बात सामने आई है कि किस गाड़ी में अतीक अहमद को बैठाया गया है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई थी उसमें यही देखा गया है कि अतीक अहमद उसी प्रिजन वैन में है जिस प्रिजन वैन की तस्वीरें कल सामने आई थी। हालांकि उस प्रिजन वैन को बिना टोक के जेल के अंदर ले जाया गया है, तो मतलब तस्वीरें बयां कर रही है कि उसी प्रिजन वैन में अतीक अहमद है, लेकिन जिस तरीके से रायबरेली में अशरफ के काफिले के आसपास मीडिया कर्मियों को रोका गया है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें हैं या तमाम ऐसी पूछताछ की भी कड़ियां सामने है जिससे उमेश पाल हत्याकांड को लेकर पुलिस की टीमें लगातार पूछताछ कर रही है और लगातार जो नए नए खुलासे होंगे वो भी सामने देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब 2006 में उमेश पाल के अपहरण के बाद हिरोती का मामला था उसमें करीब 10 लोगों का जो है ऊपर मुकदमा लिखा गया था और 10 लोगों में एक की मौत हो चुकी है, तो मतलब इस पूरे मामले में करीब 9 लोगों को कल MPML कोर्ट में पेश होना है और जिस आदमी की मौत हुई है उसको लेकर 10 लोग हैं और इन 10 लोगों में जो सबसे बड़ा चेहरा सामने है वो अतीक अहमद और अतीक अहमद का भाई अशरफ है। तो हालांकि जिस तरीके से उमेश पाल के हत्याकांड में अतीक एंड कंपनी का नाम सामने आया, ऐसे में अतीक को पुलिस रिमांड पर लेने की अर्जी दे चुकी है सीजन में और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पुलिस जो है अतीक अहमद को रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी। बिल्कुल पवन, जैसे कि आपने बताया कि जो तीनों है, तीनों को अलग अलग बैरक में रखा जाएगा, वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी, तो क्या बैरक संख्या का नाम पता लग पा रहा है कि कौन सी बैरक संख्या में ये तीनों रहेंगे? नहीं, चूंकि देखिये जेल के अंदर की जितनी भी चीजें हैं वो अभी तक सार्वजनिक नहीं आई है, हालांकि आला अधिकारी है सुबह से ही जेल का निरीक्षण करते देखे गए, DCP नगर के सहित ACP कर्चना तमाम और जो पुलिस की टीमें हैं, PSC के जवान है वो लगातार मुस्तैद है, यहाँ पर जो देखा गया है कि वो सुरक्षा के कड़े इंतजाम के लिए गए हैं,
लेकिन अभी अतीक और अशरफ को किन किन बैरकों में रखा जाएगा ये अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन जिस बैरकों में रखा जाएगा वो हाई सिक्योरिटी बैरक है, कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। और सबसे बड़ी बात है कि अतीक अहमद को आज 4 साल बाद जब यूपी लाया गया है तो अतीक अहमद का इस नैनी जेल से बहुत ही गहरा नाता है, क्योंकि अतीक अहमद का जो वर्चस्व रहा है वो प्रयागराज वालों के लिए किसी खौफ से कम नहीं था। और इसी जेल के अंदर रहकर अतीक ने कई ऐसे बड़े बड़े आपराधिक घटनाओं को बिल्कुल पवन आप लगातार इस खबर पर नजर बना के रखिएगा, आप लगातार आपसे अपडेट लेने की कोशिश करते रहेंगे। तो आपने देखा कि जो अतीक है उसको नैनी जेल में पहुंचाया जा चुका है कड़ी सुरक्षा के बीच। अब अतीक नैनी जेल के अंदर पहुंच चुके हैं, वहीं उनके बैरक में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। डीआईजी जेलर खुद ही इस पूरे उनकी सुरक्षा का जिम्मा उठाए हुए हैं और जो सीधी अतीक के बैरक की तस्वीरें होंगी वो सीधा लखनऊ में देखी जाएंगी, ताकि कहीं भी अतीक की सुरक्षा से किसी भी तरीके की छेड़खानी ना हो सके। यही वजह है कि इस पूरे अतीक के ऑपरेशन में बड़े से बड़े अधिकारी को लगाया गया है, बड़े से बड़े सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।